मध्य प्रदेश के सागर जिले में गार्ड्स की हत्या करने वाला सनकी सीरियल किलर पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई बड़े खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि सीरियल किलर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, जिससे समझ आता है कि वो पढ़ा लिखा है, और आरोपी इससे पहले गोवा और पुणे में भी रह चुका है। पुलिस ने बताया कि 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें उसकी तलाश में लगी थी। पुलिस ने यह भी बताया कि उसको पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि आरोपी कोई सुराग नहीं छोड़ रहा था। हालांकि हत्या करने के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल अपने साथ ले जाता था, और इसी के आधार पर पुलिस ने उसे ट्रेस कर पकड़ लिया। सागर जिले में अभी पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। पिछले 4-5 दिनों में पुलिस को यहाँ पे घटनाएं हुई थी सागर शहर में, जिसमें 3 हत्या की घटनाएं हुई थी। एविडेंस कलेक्शन के दरमियान पुलिस को एक साक्ष प्राप्त हुआ, जिसमें एक टीम वहाँ पे उसने भी पतासाजी करना शुरू की। यहाँ पे जो पतासाजी थी वो लगातार की जा रही थी। फाइनली कोई फिजा इस क्षेत्र में वहाँ पे उसको एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिससे पुलिस ने पूछताछ की और उसने घटना कबूल की, और उसके द्वारा ये घटनाएं करना पारित करना पाया गया है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसे रात में सोने वालों पर बहुत गुस्सा आता था, और इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने के मिशन पर था। वो उन गार्ड्स को अपना निशाना बनाता था जो ड्यूटी के दौरान सोते रहते थे, और ऐसे लोगों का सिर कुचलकर वो उन्हें मौके पर ही मार डालता था। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने 6 हत्याएं करने की बात कबूली। सागर शहर में उसने अलग अलग जगहों पर 4 और 72 घंटे में ही 3 सुरक्षा गार्ड्स की हत्या कर दी, जबकि 1 हत्या भोपाल और इससे पहले 1 हत्या महाराष्ट्र के पुणे में की।